वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। आज मैं आप सबके लिए एक और कहानी लेके आई हूँ और इस कहानी का नाम है ब्राह्मण, राक्षस और चोर। और कहानी कुछ इस प्रकार की है कि एक समय की बात है, एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत गरीब था तो वो लोगों के घर पूजा पाठ करके या दान मांग कर ही अपना जीवन व्यतीत करता था। तो एक दिन वो एक यजमान के घर यज्ञ करने के बाद आ रहे थे, तो उस यजमान ने कहा, ब्राह्मण जी रुको, ये दो गाय हैं, इन्हें गौदान मानकर अपने साथ ले जाओ। ब्राह्मण ने बोला, चलो गौदान है, मना नहीं करते। वो ले गए, बहुत दिनों तक वो उनकी देखभाल करते रहे, उनको खाना खिलाते रहे। फिर एक दिन एक चोर ने देख लिया कि अरे वाह, ये तो कितनी हट्टी कट्टी गायें हैं, इन्हें तो मैं चुराऊंगा। तो यही प्लानिंग के साथ वो अगले दिन रात के समय अपने घर से प्रस्थान करता है। कौन? चोर। तो रास्ते में उसको राक्षस मिलता है। राक्षस पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता, ब्राह्मण के घर में बहुत हट्टी कट्टी गाय हैं, बहुत अच्छा मिलेगा हमें दाम उसका, तो मैं उसको चुराने जा रहा हूँ। राक्षस बोलता, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो चोर सोचता है और फिर बोलता है कि हाँ तुम चल पड़ो, मुझे भी कोई साथी मिल जाएगा उस सफ़र तक। दोनों चलते गए, बातें करते रहे। तो दोनों पहुँचे ब्राह्मण के आंगन में। अब दोनों में डिस्कशन होने लगा कि कौन पहले क्या करेगा। अब राक्षस को बड़े दिनों से भूख लगी थी, वो बेचारे को कुछ मिला नहीं था, तो उसने बोला कि मैं ब्राह्मण खा के पेट भर लूँगा। तो उसने चोर को बोला, मैं पहले ब्राह्मण को खाऊंगा, फिर तुम गाय ले जाना। पर चोर ने बोला, नहीं नहीं, पहले मैं गाय चुराऊंगा, फिर तुम ब्राह्मण को लेके जाना। ऐसे ही चलता गया और उतने में ब्राह्मण जो सो रहे थे गहरी नींद में, वो उठ गए। उन्होंने देखा और पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तो चोर बोलता, ये जो राक्षस है ना, वो ना आपको खाने आया था, तो मैं आपकी रक्षा करने आया हूँ। अभी आपकी मैंने रक्षा करी, देखो आपको मैंने बताया कि राक्षस खाने आया है आपको। उतने में राक्षस ने बोला, अरे नहीं नहीं, इसकी बात तुम्हें बताना, ये जो है ना चोर, ये ना तुम्हारी गाय चुराने के लिए आया था, और अगर मैं ना होता ना तो ये चुरा के भाग जाता। चोर क्या, ब्राह्मण को शक होने लगा। अब चोर राक्षस को ऐसे देख रहा आश्चर्यचकित होके, तो ब्राह्मण को भी लग गया, डाउट हो गया कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। तो ब्राह्मण ने क्या किया, अपना डंडा निकाला, दोनों को पीट पीट के भगा दिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अब जो भी करते हैं सोच समझ के कीजिए। अब देखिए, ब्राह्मण ने अपने आप को बचाने के लिए, उसको पता लग गया था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, कि ज़रूर कहीं पर कुछ गड़बड़ है, तो उसने डंडा उठा के साथ दोनों को मार के भगा दिया। अपनी भी रक्षा करी और अपनी गायों की भी। इसी प्रकार आपको भी कुछ भी अगर ऐसी दुविधा आती है तो आपको बुद्धि से निर्णय लेना है, अच्छे से निर्णय लेना है। और अगर ऐसी कोई दुविधा होती है जिसमें आपकी जान जाने वाली, तो उचित और तुरंत निर्णय लेना है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।